गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का 6 बज रहा है यहाँ पे और मैं बस अपना काम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो छुट्टी है बट काम फिर भी करना है बिकॉज़ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग सो रहे हैं और मैंने अपना वर्क स्टेशन बना लिया है यहाँ पे और काम करेंगे और फिर काम फिनिश करके आप लोगों से मिलते हैं। ये वो बीच है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। और ये जो पीछे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हम लोग रुके हुए हैं। इस बिल्डिंग है 11th फ्लोर पे, तो बहुत ही सुंदर बीच है और सैंड जो है वाइट है, वाइट सैंड है यहाँ की, आपको दिख रही होगी। तो बहुत प्यारा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, 22 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हम लोग जॉर्जिया स्टेट से आए हैं यहाँ पे, जॉर्जिया से निकल के हमने अलबामा क्रॉस किया और उसके बाद फ्लोरिडा। तो ये जो बीच है पैनामा सिटी बीच, ये फ्लोरिडा स्टेट में है यूएस के। तो आज का दिन बहुत ही मज़ेदार जा रहा है। सुबह उठ करके काम किया अपना और उसके बाद फैमिली के साथ बीच पे गए, बीच पे रनिंग करी, बहुत दिन से रनिंग नहीं हो रही थी, और स्पा में रिलैक्स किया, स्विमिंग पूल में मस्ती करी। और अब घर का देसी खाना खा रहे हैं, दाल चावल और गोभी की सब्जी, और नज़ारा तो खैर गजब है ही यहाँ का। तो हम लोग शॉर्ट नैप लेकर के फ्रेश हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं पनामा सिटी पियर पार्क। ये स्ट्रीट है जो कि फेमस है शॉपिंग के लिए और रेस्टोरेंट्स के लिए। तो लेट्स सी। ये पियर पार्क स्ट्रीट है और बहुत अच्छी शॉप्स हैं दोनों तरफ है रोड के, और बैकग्राउंड में बहुत प्यारा म्यूज़िक चल रहा है, और न्यू ईयर की इन्होंने क्या कहते हैं डेकोरेशन भी स्टार्ट कर दी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों के लिए फ्राइज़ ले रहे हैं यहाँ से, शॉप का नाम क्या है, नेथन्स फेमस द फ्लेवर ऑफ न्यूयॉर्क।
ये जो कैंडी शॉप है यहाँ पे पर पाउंड के हिसाब से जो है कैंडी मिलती है, तो आप हर स्टेशन का अपना अपना अलग रेट है, तो आप अपनी कैंडी उठा सकते हो। हमने इस वाले स्टेशन से जो है वो कैंडीज खरीदी है, तो यहाँ का रेट है 3.24 पर क्वार्टर पाउंड। कैंडी शॉप में ले जाना बच्चों को बहुत ही कहते हैं ना डेंजर वाला काम है, और आव्या का मेनली इंटरेस्ट कैंडीज में नहीं था, उसका इंटरेस्ट टॉयज में था, बहुत ही मुश्किल से मानी। तो आज का दिन जो है वो यहीं पे ख़त्म करेंगे, बस डिनर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, कहीं पे बैठेंगे नहीं हम लोग, कुछ ना कुछ हम ऑर्डर करेंगे और उसको पिकअप करेंगे। तो अब यही सोच रहे हैं कि क्या खाएं, थाई खाएं या कुछ और खाएं, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। कल के ब्रेकफास्ट और लंच के लिए हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं वॉलमार्ट में, पास में ही वॉलमार्ट है, आई थिंक हमारे कॉन्डो से 2 से 3 मिनट की ड्राइव पे है। चाय छानने के लिए जो थी वो छन्नी लाना भूल गए थे। थैंकफुली छन्नी मिल गई है, उसके थोड़े से पोर्स बड़े हैं, पर आई थिंक काम चल जाएगा हमारा चाय का। दो दिन से हमने कैसे कल छानी थी चाय, हाँ हमने कल टिश्यू पेपर से चाय को छाना था, पेपर टॉवल, हाँ तो कल चाय को जो है पेपर टॉवल से हम लोगों ने छाना था, और थैंकफुली छन्नी मिल गई है, छन्नी एग्जैक्टली नहीं है बट हाँ स्टेनर है, बट उसके पोर्स थोड़े से बड़े हैं, शायद काम चल जाएगा हमारा। हाँ तो ये है वो थाई रेस्टोरेंट जहाँ से हमने खाना ऑर्डर किया है, हमने 2 नूडल्स ऑर्डर किए हैं और एक आई थिंक थाई करी ऑर्डर करी है और स्प्रिंग रोल्स, तो आई होप इतने में हम सबका खाना हो जाना चाहिए।